मेरे सामने है कुक नीरज ने जो मुंबई पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। नीरज ने मुंबई पुलिस को बयान दिया, ऑन जून 13th सुशांत सर वोक अप एट 7 AM, आई लेफ्ट फॉर वॉकिंग द डॉग, आई रिटर्न्ड एट अराउंड 9 AM एंड सुशांत सर वॉज सिटिंग इन हिज रूम, व्हेन आई वेंट टू क्लीन द रूम ही टोल्ड मी टू डू सो लेटर। वो सुबह जब 13 जून की सुबह सुशांत 7 बजे उठते हैं और नीरज उनके डॉग फज को घुमाने जाता है, जब वो वापस आता है 9 बजे, तो सुशांत अपने ही कमरे में बैठे थे। जब नीरज उनके कमरे को साफ करने के लिए जाता है तो सुशांत उनसे कहते हैं कि आप बाद में आइए। इन द आफ्टरनून आई प्रिपेयर्ड सम खिचड़ी एंड सर्व्ड इट टू सर। इन द इवनिंग सर केम आउट ऑफ द रूम एंड वेंट ऑन द टेरेस। He returned after some time and didn't have dinner. He only had mango shake and slept. दोपहर के वक्त 13 जून को दोपहर में खिचड़ी बनाई थी नीरज ने। उसके बाद शाम के समय सुशांत अपने कमरे से बाहर आए और वो छत पर चले गए। उसके कुछ समय बाद वो वापस आए और उन्होंने डिनर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मैंगो शेक पिया और सो गए। अगले दिन यानी घटना के दिन 14 जून के बारे में नीरज कहते हैं, ऑन जून 14th आई वोक अप एट 6:30 AM एज ऑलवेज एंड वेंट टू वॉक द डॉग, आई रिटर्न्ड एट अराउंड 8 AM। वो सुबह 6:30 बजे उठे, डॉग फज को लेकर उसे टहलाने ले गए और करीब 8 बजे वापस आए। देन आई क्लीन द रूम्स अपस्टेयर्स एंड वॉज क्लीनिंग द स्टेयरकेस। उन्होंने ऊपर वाले कमरे साफ किए और उसके बाद वो सीढ़ियाँ साफ कर रहे थे। सुशांत सर केम आउट ऑफ हिज रूम एंड आस्क फॉर चिल्ड वाटर। उसी सुबह सुशांत अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने ठंडा पानी मांगा। व्हेन आई सर्व्ड हिम वाटर ही ड्रैंक द वाटर देयर। मैंने उन्हें पानी दिया और वो पीने लगे। ही आस्क्ड मी इफ द हॉल वॉज क्लीन एंड स्माइल्ड एंड वेंट बैक। उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे पूछा कि क्या हॉल साफ हो गया, और ये पूछकर वो वापस चले गए। आफ्टर दैट एट अराउंड 9:30 AM when I was cleaning the hall, I saw Keshav taking bananas, coconut water and juice to sir's room. When Keshav came back, he said sir only had coconut water and juice. उसी सुबह 9:30 बजे के आसपास नीरज ने यह देखा कि केशव अपने साथ कुछ bananas, coconut water और juice लेकर सुशांत के कमरे में गए हैं, और वापस आकर केशव ने यह बताया कि सर ने सिर्फ कोकोनट वाटर लिया और जूस लिया। एट अराउंड 10:30 AM यानी उसके करीब 1 घंटे बाद केशव अगेन वेंट टू सर्स रूम टू आस्क व्हाट ही वुड लाइक टू हैव फॉर लंच। ही नॉक्ड ऑन द डोर बट द रूम वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड एंड देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। 10:30 बजे के आसपास जब केशव जाते हैं सुशांत से ये पूछने कि वो क्या खाएंगे लंच में, तो कोई जवाब नहीं मिलता। दरवाजा अंदर से बंद होता है और वो वापस आ जाते हैं। He thought sir was sleeping, so he came downstairs. He told this to Dipesh and Siddharth. केशव ने जब ये देखा कि सुशांत जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो वापस नीचे आ गए, उनको ऐसा लगा कि वो सो रहे हैं, और ये बात उन्होंने दीपेश और सिद्धार्थ को बताई। They also went to the room and started knocking. They knocked for quite a long time, but there was no response. ये सुनकर दीपेश और सिद्धार्थ भी ऊपर गए, उन्होंने काफी देर तक दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। As sir didn't open the door, दीपेश came down and told me about it. I also went to sir's room, but sir was not opening the door, so Siddharth called on sir's phone, but sir's room door didn't open, nor did he answer the call. ये बात आकर दीपेश ने नीरज को बताई, नीरज भी ऊपर गए, दरवाजे को खटखटाया लेकिन उन्होंने देखा कि वो नहीं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इस बीच सिद्धार्थ ने सुशांत के फोन पर फोन किए लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया, ना ही अपने कमरे का दरवाजा खोला। वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द रूम कीज बट वी कुडंट फाइंड देम। हमें रूम की चाबियां भी नहीं मिल रही थी। देन मीतू दीदी टोल्ड अस टू ओपन द रूम एंड दैट शी वॉज ऑन द वे एंड विल रीच सून। इस बीच सिद्धार्थ ने मीतू दीदी को फोन किया, उन्होंने कहा कि मैं पहुंच रही हूं, और उन्होंने हमें दरवाजा खोलने के लिए भी कहा।
क्योंकि चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए सिद्धार्थ ने एक चाबी वाले को बुलाया। अराउंड 1:30 PM, करीब 1:30 बजे, टू की मेकर्स केम देयर हु ट्राइड टू मेक कीज टू ओपन द डोर, बट दे वर टेकिंग टाइम, सो सिद्धार्थ आस्क्ड देम टू ब्रेक द लॉक। इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes, दे ब्रोक द लॉक। आफ्टर दैट द की मेकर्स वर सेंट डाउन, दीपेश गेव देम ₹2,000 एंड दे लेफ्ट। अब यहाँ पर एक ऐसी बात है, नीरज अपने बयान में कह रहे हैं कि दो चाबी वाले आए थे, जबकि अभी जो हम इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं चाबी वाले का, रफीक, वो ये बताता है कि वो अकेला ही आया था, और उसने आने से पहले सिद्धार्थ से ये भी कहा था कि आप दरवाजे के ताले की फोटोग्राफ मुझे भेज दें, जिससे कि मुझे आसानी होगी कि किस तरह का ताला है। खैर, यहाँ पे नीरज के बयान ये कहता है नीरज की यहाँ पे दो चाबी वाले आए हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। When दीपेश came up, we opened the door. दीपेश जब चाबी वालों को नीचे छोड़कर ऊपर आया, we opened the door and it was pitch dark in the room and air conditioning was on. उन्होंने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो AC ऑन था और कमरे में अंधेरा था। दीपेश switched on the light. दीपेश ने लाइट ऑन किया। सिद्धार्थ went ahead from the door and quickly came out. सिद्धार्थ कमरे के अंदर गए और तेजी से बाहर आए। बिहाइंड हिम आई एंड दीपेश ऑल्सो वेंट इनसाइड। आई सॉ दैट सुशांत सर फेस वॉज फेसिंग टुवर्ड्स द विंडो एंड वॉज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन विद अ ग्रीन कलर्ड कुर्ता ऑन हिज नेक ऑन वन साइड ऑफ द बेड। सीइंग दिस आई गॉट स्केयर्ड एंड केम आउट ऑफ द रूम एंड सिद्धार्थ कॉल्ड मीतू एंड टोल्ड हर अबाउट दिस। आफ्टर दैट सिद्धार्थ आस्क्ड मी टू गेट अ नाइफ टू कट द क्लॉथ। I brought the knife and Siddharth cut the kurta and sir's body was brought down. So Shant's sir's feet were outside the bed while rest of the body fell on the bed. It was the same time that sir's sister Meetu entered the room and started shouting, Gulshan, tune ye kya kiya? After that, Meetu Didi asked us to arrange sir properly on bed. So three of us put him on the bed properly. Sir's body was kept in the opposite direction. Feet being on the side of head and head being on the side of the feet. कुछ ऐसे ही pictures भी हमने देखे थे। I removed the kurta that was tied around his neck and put it aside. Siddharth tried pumping sir's chest, but it had no effect. Then Siddharth called the police for help and then the police arrived. The kurta used for hanging belonged to Sushant sir and he had 3-4 similar kurtas of they have mentioned the brand, make of different colors. He used these kurtas while performing puja. In the end, Neeraj concluded, sir was not keeping well since past 5 to 6 months. I feel that was the reason that he committed suicide. ये वो बयान है जो नीरज ने मुंबई पुलिस को दिया है। इसमें दो बातें नोट करने वाली हैं। एक, वो कहते हैं कि दो चाबी वाले आए थे। दूसरा, वो कहते हैं कि उनकी 5-6 महीने से तबीयत ठीक नहीं थी। ये दो बातें हैं। अब देखना यह है कि मुंबई पुलिस को दिया गया यह बयान और वो CBI से क्या कहते हैं और CBI इसमें से क्या परत दर परत कौन सी और सच और सुराग ढूंढ कर निकालती है। फिलहाल नीरज का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि घटना के वक्त वो घर में मौजूद थे और उन्होंने उस सुबह यानी 14 जून की सुबह भी सुशांत को देखा था, उनसे बात की थी। आगे जो भी अपडेट होगा मैं लेकर तुरंत हाजिर होऊंगा, लेकिन इस बयान को मुंबई पुलिस के पास रिकॉर्ड किया है नीरज ने। अब देखना यह है कि CBI को जो बयान देते हैं नीरज, क्या वो सेम बयान होता है या अलग होता है, क्योंकि CBI की अब पड़ताल यही हो रही है कि किस तरह से, अगर ये सब के सब सच बोल रहे हैं तो इनके सारे बयान एक जैसे होने चाहिए। लेकिन विनय तिवारी कहकर गए हैं, जो बिहार पुलिस के IPS आए थे, कि इन चारों को ही कुछ पता है और उनके बयान भी बदल रहे हैं। तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इन सब के बयान CBI के पास भी सेम रिकॉर्ड होते हैं या उनमें कोई बदलाव आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।